लोकसभा चुनाव में बाढ़बे लोकसभा सीट से सांसद बने कैलाश चौधरी को मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री का पद मिला। चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को करारी शिकस्त दी थी। चौधरी ने मानवेंद्र सिंह को 3,23,808 मतों से हराया और यही कारण है कि कैलाश चौधरी पहली बार सांसद बनने के साथ ही मोती मंत्रिमंडल में मरुधरा के महारथी भी बन गए। बता दें कि मोदी ने कर्नल सोनाराम का टिकट काटते हुए कैलाश चौधरी को भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया था। जीत के बाद कैलाश चौधरी मोदी के भरोसे पर खरे उतरे। खुद पीएम मोदी ने उनके लिए चुनाव में जनसभा भी की थी। बाड़मेर की सबसे अधिक हॉट सीट से जीतकर मंत्री बने कैलाश चौधरी से खास बातचीत की हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। मोदी सरकार में बाड़मेर से सांसद और अब मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह पाने वाले कैलाश चौधरी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, कैसा अनुभव है आपके लिए? ये बहुत अच्छा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और बाड़मेर जैसलमेर की जनता को, और मैं उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। और निश्चित रूप से क्योंकि मंत्री पद है तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निर्वहन करना मेरे लिए चुनौती होगी और निश्चित रूप से उनके विश्वास के ऊपर खरा उतर के और इस देश के लिए कुछ करें और निश्चित रूप से वो काम सारा करके दिखाना है। और आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक विजन देखा है, इस देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया, एक नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो निश्चित रूप से उनके विश्वास जो उन्होंने जताया तो उस विश्वास के ऊपर हम काम करेंगे। और ये कहा जा रहा था कि एक चौंकाने वाला नाम आएगा मोदी कैबिनेट में, क्या आप ही थे वो चौंकाने वाला नाम? क्या आपको पहले से मालूम था या आप भी चौंक गए अपना नाम सुन के? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने विश्वास देकर और यहां तक भेजा है और ये एक मेरे जीवन के अंदर मैंने ये सोचा कि ये जो पद है ये पद नहीं है, ये एक दायित्व है और इस दायित्व को निर्वहन करना मेरे लिए जिम्मेवारी रहेगी क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए 19 से 20 घंटा काम करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए भी, मैं भी इस देश के लिए कुछ करने का मुझे अवसर मिला है तो मैं भी उनके मार्गों पर चलकर और आने वाले टाइम के अंदर 24 घंटे इस देश के लिए काम कर। सवाल मेरा आगे मोदी 2 जो है सरकार आई है, आगे क्या देखते हैं मोदी सरकार के लिए, अपने लिए उसमें कैसी जगह ढूंढते हैं आप? ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 5 साल के अंदर काम किया था तो उसकी वजह से आज भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है और आने वाले समय के अंदर जो इन्होंने 5 साल तक जो पहले की जो सरकार कांग्रेस की थी उनके गड्ढे जो थे उनको 5 साल के अंदर मोदी जी ने भरने का काम किया, अब देश को ऊपर उठाने का काम होगा। तो आने वाले समय के अंदर हर वर्ग की चिंता की जाएगी और प्रत्येक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, व्यापारी हो, अन्य देश को किस तरह से हम विकसित देशों के अंदर ले जा सकते हैं। बाड़मेर के लिए क्या कुछ खास करना चाहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जैसलमेर उसके अंदर है, बाड़मेर भी उसके अंदर है, जब देश ही पूरा आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर बाड़मेर और जैसलमेर भी शामिल होगा। तो जैसलमेर बाड़मेर भी शामिल होगा, पूरे देश के विकास में योगदान होगा और चौंकाने वाला जैसा नाम बताया जा रहा था वो है ये कैलाश चौधरी। प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।